सरकार ने हमें लिखा था कि उन्हें इंटरनेट और व्हाट्सएप से संबंधित सरकार की जो गाइडलाइन है उसके बारे में सही दिशा निर्देश दिया जाए। आज हम विश्लेषण करेंगे कि क्या इंटरनेट खुद बुजुर्ग हो गया है, क्या व्हाट्सएप में चेंजिंग नहीं हो पा रहा है, क्या व्हाट्सएप फेसबुक और इंटरनेट पर चलने वाले अधिकांश मैसेज जो फॉरवर्ड पे आते हैं गलत होते हैं। सरकार ने व्हाट्सएप से ये पूछा है कि आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं कि जिस प्रकार से व्हाट्सएप में वायरल मैसेज होने के बाद अब गाय की हत्या होने का हुआ के बाद बच्चा चुराने वाले गिरोह के बारे में अफवाह फैल जाना और लोगों की लगातार हत्या होना, इसीलिए फेसबुक व्हाट्सएप क्या कर रहे हैं वह ऐसे खबर को कैसे रोकेंगे। व्हाट्सएप ने कहा है कि हम वैसे सारी चीजों को करने जा रहे हैं जिससे कि कोई भी मैसेज वायरल नहीं हो पाए। मसलन सबसे रिसेंट फीचर में आपको बता दें कि व्हाट्सएप में जो ग्रुप एडमिन है उसे अब जेल जाना पड़ेगा अगर कोई भी मैसेज बिना सोचे समझे उस ग्रुप में आ जाता है तो एडमिन को ही जेल जाना होगा। दूसरा कि एडमिन अगर आप चाहेंगे तभी कोई व्यक्ति उनके ग्रुप में मैसेज डाल पाए, यानी कि किसी ग्रुप के आप मेंबर हैं और आप चाहते हैं कि आपके ग्रुप में सारे लोग मैसेज नहीं करें तो फिर आपके कोई भी मैसेज उसमें नहीं जा पाएंगे, सिर्फ ग्रुप का एडमिन जो होगा वही मैसेज को डालेगा। व्हाट्सएप में तीसरा सबसे बड़ा बदलाव किया गया है कि अगर किसी ग्रुप में 4-5 ग्रुप एडमिन होंगे तो जो पहला व्हाट्सएप ग्रुप का क्रिएटर होगा उसे किसी भी हालत में कोई हटा नहीं सकता, यानी कि दूसरे ग्रुप एडमिन पहले एडमिन को कभी भी निष्कासित नहीं करेंगे, क्रिएटर हमेशा बना रहेगा। चौथी योजना बनाई गई है कि कोई भी मैसेज जो अगर पॉलिटिकल हो या हिंसा भड़काने वाला हो या सांप्रदायिक घटना को अंजाम देने वाला हो ऐसे मैसेज को अब व्हाट्सएप में लिंक होल्डर ही कैच कर लेंगे, यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर अपलोड कर दिए जाएंगे जो मैसेज भेजने के बाद वो वहीं पर रुक जाएगा और आगे फॉरवर्ड हो ही नहीं पाएगा। इनके अगर वो फॉरवर्ड हो भी जाता है तो ग्रुप एडमिन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी और ग्रुप एडमिन को संबंधित डिस्ट्रिक्ट से या इलाके के थाने से हाल के समय में उन्हें वहां से वेरिफिकेशन भी लेना पड़ेगा। इन दिनों जिस प्रकार से बच्चा चोरी का अफवाह झारखंड में, राजस्थान में, गुजरात में और उत्तर प्रदेश में फैलने के बाद भीड़ ने पीट पीट कर लोगों को मार दिया उसके बाद सरकार ने निर्णय लिया है। इसी प्रकार से आप व्हाट्सएप में देखते होंगे कि कभी कभी आपके पास मैसेज आता है कि एक गरीब लड़की है इसे आप देख लें या कुछ पैसे की मदद कर लें या कोई एक मैसेज जिसको आप दूसरे लोगों को भेज दें। और बहुत सी चीज़ें यूट्यूब और व्हाट्सएप पर गलत होती हैं जिसमें गलत को बोल करके व्यू बढ़वाई जाती है, यानी कि अगर कोई व्हाट्सएप पर व्यू ही बढ़ा देता है 10,000 तो व्हाट्सएप ग्रुप से गलत क्यों ना हो उसे पैसा मिल जाता है। यूट्यूब में भी यही फंडा है, यही कारण है कि यूट्यूब में आपको फूल जुलूल और बेकार की वीडियो काफ़ी नजर आएंगी जिसमें काम की चीज़ें नहीं होती है और लोग सरप्राइज होकर ऐसे वीडियो को देखते हैं जिससे उनका व्यू बढ़ जाता है। ऐसी चीज़ों पर भी अब रोक लगने वाली है। गूगल से पूछा गया है कि आप ऐसे चीज़ों को कैसे रोक पाएंगे। गूगल के बारे सोशल मीडिया में समय चल रहा है कि गूगल खुद बूढ़ा हो गया है, यानी कि उसकी उम्र भी अब ढलने लगी। इसका क्या अर्थ है? मसलन ये कि गूगल उन चीज़ों को लोड तो कर देता है जैसे किसी क्लासेस की जानकारी लेनी हो, मेडिकल हॉल की लेनी हो, कॉलेज की लेनी हो, दवा दुकान की लेनी हो। अगर कोई आज दुकान खोलता है तो गूगल में जानकारी तो चली जाती है कि रमेश दुकान नाम का एक खुला है मेडिकल शॉप, लेकिन वो दुकान 3 महीने के बाद बंद हो जाता है तो फिर गूगल उसे कभी अपने साइट से हटाता नहीं। इसी प्रकार से गूगल में लगभग 90% जानकारी गलत है और इसके चलते स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत होती है क्योंकि आज के ज़माने में सोशल मीडिया का सहारा लेकर अधिकांश बच्चे पढ़ते हैं। आप किसी चीज़ का जानकारी लेने के लिए जब साइट खोलेंगे तो कम से कम 10,000 साइट खुल जाएगा। इस 10,000 साइट में कम से कम 8,000 साइट ऐसे होते हैं जो पुराने हैं और जो साइट पर अपलोड नहीं होता है, अपडेट भी नहीं होता है, वो साइट भी बंद हो चुका है। लेकिन गूगल में भी वो साइट नहीं।
और इसके कारण लोगों का समय काफी नष्ट हो जाता है, और जब आप लिंक खोलने लग जाते हैं तो लिंक खुलता जाता है, लोगों को पता नहीं चलता है कि किस साइट से। सरकार ने पूछा है कि क्या गूगल ऐसी कोई टेक्निक लाने जा रहा है जिसके बाद वह ऐसे वीडियो की ऑथेंटिसिटी चेक कर पाएगा कि सही है कि गलत है। सोशल मीडिया के आने के बाद में खास करके कोई भी चीज तेजी से बिना जांच पड़ताल के ही चला जाता है। हाल के दिनों में हमारे मोबाइल पर भी एक मैसेज आया कि बिहार के 1850 स्टूडेंट्स पर आईएएस बन गए हैं और इसलिए जय बिहार बोला जाए। हमने जब मैसेज की पड़ताल की तो पता चला कि आईएएस में कुल सीट तो 1000 है, जिसमें बिहार के सिर्फ 30 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, यानी कि 1850 वाला मैसेज ही झूठा था। इसी प्रकार के कई मैसेज होते हैं जो लोग नहीं समझते हैं और मैसेज को तुरंत फॉरवर्ड कर देते हैं और इसके बाद दूसरे लोगों के भी समय बर्बाद हो जाते हैं। हाल के दिनों में गूगल ने स्वयं अमेरिका में एक स्टेटमेंट जारी किया था जिसमें उसने बताया था कि भारत एक बेवकूफ देश है जहाँ के 60% लोग अपने कुल 1.5 GB डेटा या टोटल डेटा का गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग लिखने में 80% डेटा वो नष्ट कर देते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस कंपनी को भारतीय से इतना ज्यादा फायदा हो रहा है और वो कंपनी भी अमेरिका में बैठकर भारतीयों को बेवकूफ क्यों बनाता है। आपको ये समझना होगा कि सोशल मीडिया का प्रयोग एक निश्चित समय में करें। हमारे पास कई पेरेंट्स जब हम अलग अलग चैनल्स पर काउंसलिंग में जाते हैं, अलग अलग न्यूज पेपर में काउंसलिंग में बैठते हैं तो अखबार के दफ्तर में फोन आता है और पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे बच्चे का रिजल्ट खराब हो गया है, कारण है सोशल मीडिया मोबाइल में फेसबुक और व्हाट्सएप में लगातार उसका बिजी रह जाए। हमारी ये रिक्वेस्ट होगी उन पेरेंट्स से कि आप बच्चों को मोबाइल कम समय के लिए दें या उन्हें टाइम बाद दें तो उन बच्चों का रिजल्ट जरूर अच्छा होगा। उन बच्चों से हमारा रिक्वेस्ट होगा कि अगर लाइफ बढ़ने से अगर आप आईएएस ऑफिसर बन सकते थे तो हर व्यक्ति 10 वर्षों में लाइफ अपने फोटो में 3 से 4 लाख करा लेता और घर बैठे बैठे वो आईएएस और बैंक की नौकरी कर लेगा। आप जब ऑफिसर बन जाते हैं तो आपके लाइक्स ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे, आपके कमेंट्स बढ़ जाएंगे और आपसे फ्रेंडशिप करने वाले की लिस्ट भी बड़ी हो जाएगी। आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया पर सरकार को कंट्रोल करना चाहिए? आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? इसके लिए 200 वर्ड्स में लिख करके आप हमारे साइट पर जरूर लिख करके भेजेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स पैनल उसका जवाब आपको देंगे। साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9431156794, उस पर लिखिएगा। आपको अगर लगता है कि वीडियो अच्छा लग रहा है, ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे तो आप इस ऐसा विश्लेषण चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमसे ऐसे ही जुड़े रहिएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।